नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अलौकिक दुनिया में। स्कंद माता की आराधना नवरात्रि के पांचवें दिन करने से भक्त अपने व्यवहारिक ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करते हैं। मान्यताओं के अनुसार देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति व क्रिया शक्ति का समागम है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो सकता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अवैध किया गया है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता ही है। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ओर ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ड एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर हमेशा विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पदासना भी कहा जाता है। यहाँ इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, वो भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज व क्रांति में हो सकता है। अतः मन को एकाग्र रखकर व पवित्र रखकर मन को देवी की आराधना करते हैं। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। ये देवी विद्वान व सेवकों की पैदा करने वाली शक्ति है, चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य व मेघदूत रचनाएं स्कंद माता के कृपा से ही संभव हैं। पुराणों में बताया गया है पार्वती ने भगवान शिव के लिए कई साल तक तपस्या की, फिर जाकर सभी देवताओं ने भगवान शिव को विवाह के लिए मनाया। पार्वती व शिव भगवान का विवाह हुआ। तारासुर राक्षस ने ब्रह्मा से तपस्या करके एक वरदान प्राप्त कर लिया कि वो उसे कोई भी नहीं मार सकता है। आए भगवान शिव की संतान के। उस समय से भगवान का विवाह भी नहीं हुआ था, तो कई साल तक तारासुर ने देवताओं को परेशान कर रखा था। माता पार्वती ने भगवान स्कंद को इस दुनिया में लाने में विशेष भूमिका निभाई। वह स्कंद को खुद ही अस्त्र व शस्त्र का ज्ञान दिया और तारासुर राक्षस से सबको विजय दिलवाई, तो सब देवताओं ने जयकारे लगाए कि स्कंद माता की जय। वह एक शक्तिशाली व प्रतिभाशाली बच्चे की माँ है। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोहने वाला है। स्कंद माता को पीला रंग बहुत पसंद है। भोग में उन्हें केले का फल देना चाहिए, केसर डालकर खीर भी दे सकते हैं। स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है। घर में सुख शांति व समृद्धि रहती है। मांगो, तुम क्या मांगो? जय माँ स्कंद माता, हैप्पी नवरात्रि। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।